रेहाना इन किचन होम कुकिंग। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? ये मेरा तीसरी वीडियो है जो मैं डाल रही हूँ। मैं एक हाउसवाइफ हूँ, तो आज मैं बनाने जा रही हूँ मटन कोरमा। मैंने लिया है 1/2 kg मटन। ये मैंने फ्रेश मटन लिया है। ये मैंने 2 teaspoon लाल मिर्च ली है और ये 1 चम्मच हल्दी पाउडर है, धनिया पाउडर 1 teaspoon, और इसके साथ ही ये मैंने मिक्स मसाला घर में बनाया हुआ है। ये गरम मसाला 1 चम्मच, इसमें मैंने 2 ग्रीन वो भी इलायची भी ऐड की हैं, नमक है, हसबे जायका नमक है, 2 ऑनियन लिए मैंने और ये काट लिए मैंने बारीक साइज़ में। 1 कटोरी दही है, इसको मैंने फेंट लिया है ताकि इसकी मैंने अच्छे से, ताकि गिल्टियाँ जो इसमें होती हैं वो फेंट ली जाएँ और सही से हो जायके में। गोश्त को अब मैं मैरिनेट करने के लिए एक बाउल में डाल दूँगी और इसके साथ ही मैं इसको देख लूँगी। मुझे ऐसे ही बनाना अच्छा लगता है। ये मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला इसमें 2 teaspoon जो मैंने पीस के रख लिया था पहले से ही, और ये मसाले जो मैंने आपको दिखाए थे वो इसमें ऐड कर दिए हैं। इसी तरह मैं अब आपको दिखाऊँगी कि आप फिर भी बताइएगा मुझे। ये दही मैंने डाल दिया इसमें ताकि इसको मैं अच्छे से डीप करके और इसको मैरिनेट करके कुछ मिनट के लिए, 10-15 मिनट के लिए रख दूँ ताकि ये मैरिनेट हो जाए अच्छी तरीके से। मुझे बताइएगा, क्योंकि मैं बोलने के लिए फ़र्स्ट वीडियो बना रही हूँ, तो अगर कहीं गलती लगे या कुछ हो तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। अब मैं इसको 10-15 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए रख दूँगी। अब हमने ये मैरिनेट होने के लिए रख दिया। जब तक ये मैरिनेट होता है तो मैं इधर चूल्हे पे प्याज ब्राउन करती हूँ। प्याज ब्राउन करके फिर हम दिखाते हैं आपको। ये मैंने 1/2 cup मैंने ऑयल का लिया है और इसमें वो 2 ऑनियन जो मैंने काट के रखी थी वो मैंने फ्राई होने के लिए डाल दिया है। हल्का फ्लेम रखना है ताकि आपकी प्याज जले नहीं और आहिस्ता आहिस्ता ब्राउन हो, क्योंकि ब्राउन में और जलने में बहुत फ़र्क होता है। हमने ब्राउन करनी है ताकि हमारी हंडिया का कलर, कोरमे का कलर प्यारा सा है। तो ये देखें जी, प्याज ब्राउन होना शुरू हो गई है। ये हो चुकी है ब्राउन प्याज, देखिए आप। मैंने बिल्कुल हल्की आंच पे किया। ये मेरा यहाँ गोश्त हो गया मैरिनेट, अब ये डालने लगे हैं। तो जैसा कि देखें 15 मिनट के ही लगभग लगना चाहिए और हल्की आंच आपने बिल्कुल रखनी है ताकि वो अच्छे से फ्राई हो और अपना कलर मसाले छोड़ दें आहिस्ता आहिस्ता। इसी तरह जुड़े रहिएगा मेरे साथ। ये देखें जी, अब मैं जब इसे थोड़ा सा भून लूँगी अच्छे से, ये भुनाई होना शुरू हो गया है। गोश्त जब मसाला पकड़ लेगा और घी अलग से ऑयल का हो जाएगा तो समझो हमारी कोरमा भुनाई पे आ गया है। इसी तरह हमने आहिस्ता आहिस्ता हल्के हाथ से चम्मच चलाते रहना है, हल्के हल्के हाथ से। आँच भी बराबर कम ही है लो फ्लेम पे ताकि हंडिया इर्द गिर्द से जले नहीं। ये देखिए, आप देख सकते हो कितना प्यारा कलर आ गया और सॉफ्ट सा हो गया है गोश्त। अब ये हम मटन है, इसमें पानी डालेंगे तकरीबन 2 cup के लगभग तो डालना पड़ेगा मटन है ताकि अच्छे से गले, और जब तक गोश्त गला हुआ ना हो तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैंने 1 डब्बा डाल दिया है पानी का और 1 और डालेंगे तो इसमें ही गोश्त गलेगा। देखिए, ये 1 और मैंने ऐड कर दिया है। आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको पता चले कि 1/2 kg में, अगर 1/2 kg गोश्त है तो मटन है तो उसमें हमने 2 डब्बे डाले हैं, क्योंकि मटन थोड़ा देर से ही गलता है। अब मैं कुकर का ढकना लगा दूंगी, सीटी लगा दूंगी 15 मिनट के लिए। अब वो आपको पता ही है कि 10 मिनट में 15 मिनट में हो जाता है। ये देखिए ओपन करके, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारा कलर आया है और पानी भी सोख हो गया है। मैं अभी चमचा चला के दिखाती हूँ आपको। ये मैंने हरी मिर्ची ऐड कर दिए, देखिए कितनी प्यारी शक्ल है, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। तो हमने हल्के हल्के हाथ से चलाते रहना चम्मच,
ये आप देखें, बिल्कुल घी ऑयल दोबारा से भुनाई के बाद हो गया। तो मैंने इतना पानी डाला इसमें ताकि रोटी या नान के साथ अच्छे से हम इसे खा सकें। मैं तो इतना ही रखूँगी, अगर आपकी मर्ज़ी है आप इसे ज़्यादा पानी रखें या कम। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, 5 मिनट के बाद पानी जब मैंने डाला था थोड़ा सा, तो वो हमारे मटन कौरमे की बहुत प्यारी शक्ल है। ये देखें जी, अब मैं सर्व करने लगी हूँ, तो आप देखें कितनी प्यारी शक्ल है इसकी, कलर भी बहुत प्यारा सा आया है, बहुत ज़बरदस्त है। अब मैं इसको थोड़ा सा सजा दूंगी। मैंने लेमन काट के रखे हुए हैं और बारीक बारीक हरी मिर्चें काट के रखी हुई हैं ताकि मैं इसके ऊपर से छिड़क दूँ। और मैंने गरम मसाला पीस के रखा हुआ है, थोड़ा सा गरम मसाला इसके ऊपर से छिड़क देंगे जायके के लिए। अब चाहे आप नान के साथ इसे सर्व करें या रोटी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक्स, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स।